बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आप लोगों को तो पता ही है, शादियों का सीजन चल रहा है। शादियों का सीजन बस खत्म ही होने वाला है, तो मैंने न्यूली ब्राइड मेकअप लुक आज क्रिएट किया है। जी हाँ, ये है न्यूली ब्राइड मेकअप लुक। शादी के बाद वाले दिन, नेक्स्ट दिन आप कैसे तैयार होंगे, बहुतों को नहीं पता, या फिर बहुत सारे रस्में होते हैं उसमें भी आप ये मेकअप लुक बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल आप अगर इस मेकअप को क्रिएट करते हो, मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो बिल्कुल ही आप न्यूली ब्राइड, एकदम बहुत खूबसूरत वाली ब्राइड लगोगे। अगर आपकी भी शादी होने वाली है, या फिर हो चुकी है, या फिर ऐसे भी कोई फंक्शन है शादी के कुछ दिन बाद, तो भी आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत सटल सटल वाला मेकअप लुक है एंड बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। मैंने न्यूली ब्राइड मेकअप लुक किया है, इसलिए मैंने चूड़ा भी पहना है। अब न्यूली ब्राइड मेकअप लुक हो और चूड़ा ना हो तो मेकअप लुक ही अधूरा है। कुछ इस हिसाब से है ये मेकअप लुक एंड मुझे पर्सनली अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा। पूरा मेकअप लुक को देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस लुक को कैसे क्रिएट करना है। बेसिकली मैंने बहुत सटल इसलिए रखा है क्योंकि उतना ज़्यादा कोई फॉल्स लैसेस या फिर कोई लेंस ये सब तो लगाता नहीं है शादी के नेक्स्ट दिन, क्योंकि रहना तो घर में है बट सजना तो पड़ता है, क्योंकि कुछ मेहमान आते हैं देखने के लिए या फिर बहुत सारे रस्में होते हैं, तो उस हिसाब से ये मेकअप लुक है। बट मैंने कोई फॉल्सेस नहीं लगाया, कोई लैसेस नहीं लगाया है, कोई लेंसेस नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने आई मेकअप भी बहुत सटल किया है कि उस तरीके से ये जा पाए। कुछ इस हिसाब से है ये मेकअप लुक। लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। आई होप तो लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलिए देख लेते हैं इस लुक को कैसे क्रिएट करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना स्किन केयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं टोनर लगा रही हूँ, ये है गुड वाइव्स का लेवेंडर टोनर, जिससे आपके फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड होगा। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे गुड वाइव्स का रोज़ जेल लगा रही हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पे जेल लगा रही हूँ क्योंकि बहुत थोड़ा सा गर्मियाँ पड़ने लगी है, तो ज़्यादा हैवी मैं मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी NY बे का प्राइमर। ये बहुत अच्छा वाला प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड आपके जो इतने भी पोर्स है, आपके बहुत अगर हैवी पोर्स है तो उसको बहुत अच्छे से ब्लर आउट कर देगा ये प्राइमर लगाने से, एंड आपका बेस बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा। तो प्राइमर नेक्स्ट में यहाँ पे मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर वाटरप्रूफ फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल सच में वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, आपके बहुत लंबे समय तक टिका रहता है और बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता, पैची सा नहीं लगता, और इसका जो टोन है ना वो बहुत अच्छे से मैच हो जाता है स्किन के साथ। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दूंगी। ये NY बे का ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि बहुत अच्छा वाला, बहुत ही सॉफ्ट वाला ब्यूटी ब्लेंडर है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। मेरा सेड है सैंड सेबल 02 और इसको मैं बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, जहाँ जहाँ कंसीलर हमारे हाई पॉइंट्स पे रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ वहाँ अप्लाई करके एंड ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छी फुल कवरेज देता है, आपके डार्कनेस को बिल्कुल ही हाइड कर देता है। ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा गीला करके स्क्वीज करके उसको ब्लेंड करें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने पूरे अच्छे से बेस को सेट कर लूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे NY बे का रनवे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, जो कि अगेन बहुत अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है, आपके बेस को बहुत अच्छे से सेट कर देता है, थोड़ा सा टेंट भी है इसमें। नेक्स्ट अब हम आई मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले ये ट्रांजिशन कलर अप्लाई करेंगे, अपना आई बेस मतलब जिसको कहते हैं। बिना ट्रांजिशन कलर अप्लाई किए कोई भी आई मेकअप मत स्टार्ट करना कभी भी। सबसे पहले इसको दोनों आईलिड पे हम अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको, इसको जस्ट मैं टच करके एंड एक्सेस को रिमूव करके जस्ट आउटर वी में एंड क्रीज पे इसको ब्लेंड करूँगी। जी हाँ, मैंने सेंटर लिड पे नहीं बिल्कुल भी अप्लाई किया, बस आउटर वी एंड क्रीज पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेम पैलेट में से ये जो शिमर कलर है एंड ये गोल्डन शिमर, ये गोल्डन जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा शिमर है, कह सकते हो ग्लिटर जैसा है बट ग्लिटर नहीं है, थोड़ा ज़्यादा शिमर है, उसको बस हम अपने सेंटर लिड पे अप्लाई करेंगे फ्लैट ब्रश के हेल्प से। जी हाँ, और फिंगर के साथ मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी।
सो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये, बटर जैसा स्मूथ है सारे ही आई शैडो इसमें इस पैलेट के। नेक्स्ट में जो उसके पास में जो कॉपर जैसा शिमर कलर है उसको लेके फ्लैट ब्रश पे एंड अपने इनर कॉर्नर एंड आउटर वी आउटर कॉर्नर पे हम अप्लाई कर लेंगे और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो और जो हमने सेंटर लिड पे अप्लाई किया था जो कलर उसके साथ भी इसको स्मज करेंगे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए सब एक साथ। सो ये है फाइनल आई मेकअप लुक। सो नेक्स्ट आई में भी हम कर लेंगे सेम। नेक्स्ट में यहाँ पे जो हमने अपने आई लिड पे पहले कलर दिया था ट्रांजिशन कलर एंड ये ऑरेंज कलर को मिक्स करके हम इसको अपने लोअर वाटर लाइन पे स्मज कर लेंगे ताकि थोड़ा सा सेम लगे एंड आपके आईज जो है वो ज़्यादा छोटे छोटे नहीं। सो गाइस मैं नेक्स्ट यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। ये है स्विस ब्यूटी का पेन लाइनर जो कि बहुत अच्छा वाला है। मैं फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई करने वाली थी एंड मुझे ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा डार्क इसका कलर है एंड अगर आप विंग आईलाइनर लवर हो, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है विंग लाइनर ड्रॉ करना बट कर नहीं पाते हो तो इस आईलाइनर को ज़रूर यूज़ करना एंड ट्राई करना, बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईलेस कलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं काजल नहीं अप्लाई किया है आज मैंने, तो अपनी लैसेस को बस कर्ल कर लूँगी। मैंने फॉल्सेस भी नहीं अप्लाई किया है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे हाइपर कर्ल मेबलिन का मस्कारा अप्लाई करूँगी। बहुत अच्छा वाला मस्कारा है एंड आपके जो लैसेज है उसको बहुत अच्छे से लिफ्टेड कर देता है। सो अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी मैं, दो तीन कोट कर लूँगी इसको ताकि थोड़ा सा ज़्यादा आपके लैसेज को वॉल्यूम मिल जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम फेस कॉन्टोरिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरे ही कॉन्टोरिंग के स्टेप को मैंने इसमें आज इंक्लूड किया है क्योंकि बहुतों को नहीं आता है फेस को कैसे कॉन्टोर करते हैं। थोड़ा सा स्पीड में कर दिया है, 1/4 के स्पीड में है क्योंकि क्लिप बहुत ज़्यादा लंबा था। सो सबसे पहले हम अपने चीक्स की कॉन्टोरिंग करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, नीचे से ऊपर मत जाना कभी भी। सो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्टोरिंग करते हैं चीक्स की। फिर हम फोरहेड की करेंगे, जॉ लाइन की करेंगे एंड अपने नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लेंगे। उसी सेम ब्रश को ऐसे पकड़ के एंड अपने नोज़ को कॉन्टोर कर सकते हो आप, बहुत आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम सेम पैलेट में से ये ब्लश अप्लाई कर लेंगे। एक्सेस को हमेशा रिमूव कर दो वरना बहुत ज़्यादा आपके चीक्स पिंक हो जाएंगे, ओवर पिगमेंटेड। मतलब ये पैलेट जो है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है सो इसीलिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बहुत अच्छे से डैब डैब करके एंड हाँ लिफ्टेड करके मतलब ऊपर की तरफ अप्लाई करोगे तो आपके फेस जो है वो लिफ्टेड लगेगा। मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर गोल्डन, जी हाँ मास्टर क्रोम हाइलाइटर, बहुत अच्छा वाला हाइलाइटर, बिल्कुल ही नेचुरल ग्लो दे देता है आपके फेस पे, अच्छे से पूरे चीक बोन पे, आपके ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड्स बो पे, चिन एरिया पे, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे एंड सेम ब्रश सेम हाइलाइटर से अपने नेक बोन पे भी, कॉलर बोन पे अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमने ब्लाउज डालना है डीप नेक का तो इसीलिए। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पूरे मेकअप को सेट कर लेंगे स्यूज ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से जो कि बहुत अच्छा वाला मेकअप फिक्सर है एंड इसमें इतना बहुत अच्छा एक मतलब फ्रेश फ्रेगनेंस है, बहुत ज़्यादा फ्रेश आपके मूड को रिफ्रेश कर देगा, मिंटी सा फ्रेगनेंस है एंड आपके फेस पे ना थोड़ा सा ग्लो दे देता है इस मेकअप फिक्सर को अप्लाई करने के बाद। सो इसको ज़रूर ट्राई करना एंड बहुत लंबे समय तक मेकअप को ट्राई भी कर टिका के भी रखता है। सो अब हम हेयर्स मैंने कर लिया है, साड़ी पहन लिया है एंड चूड़ा भी पहन लिया। यहाँ पे मैंने रेड कलर का एक बिंदी लगा लिया। ये है मंगलसूत्र जो कि मुझे इसका डिज़ाइन ना बहुत पसंद है। सो मैंने यहाँ पे कोई हैवी नेकलेस नहीं डाला है क्योंकि शादी के बाद दिन कोई नेकलेस नहीं पहनता, मंगलसूत्र हमेशा हर कोई पहनता है। सो यहाँ पे मैंने मंगलसूत्र पहन लिया। ये है मेरा इयररिंग जो कि थोड़ा सा हैवी है क्योंकि मैंने गले में हैवी कुछ नहीं डाला है इसलिए। सो अच्छे से इसको पहन लूँगी क्योंकि इयररिंग घुस ही नहीं रहा था मेरे कान में। नेक्स्ट यहाँ पे स्विस ब्यूटी का साइज, इसका शेड है 16, लिप क्रियॉन है ये स्विस ब्यूटी का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे देख रही थी कलर मैच मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं साड़ी के साथ, तो अच्छा लग रहा था तो मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ अच्छे से इस कलर को। और ये ना बहुत देर तक स्टे करके रखता है। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को लुक। Thank you.
था आज का मेकअप लुक, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। न्यूली ब्राइड मेकअप लुक है एंड अगर न्यूली ब्राइड हो आप तो जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा आप पे भी। एंड कुछ इस हिसाब से पूरा मेकअप लुक है और आई होप आप लोगों को पसंद आए, बहुत अच्छे से मैंने इसको क्रिएट किया है। सो गाइस, और एक बात, मैं न्यूली ब्राइड लग रही हूँ कि नहीं ये कमेंट करके भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मुझे ये पर्सनली मेकअप लुक बहुत अच्छा लगा है, बहुत सटल सिंपल एंड गॉर्जियस सा मेकअप लुक है और न्यूली ब्राइड पे बहुत अच्छा लगेगा सच में। एंड आप लोग ट्राई करना हो अगर तो, या फिर होने वाली है या फिर आपकी कोई फ्रेंड की शादी है तो शेयर कर देना उसको, सो उसको हेल्प मिल जाएगा किस तरीके से मेकअप करना है नेक्स्ट दिन शादी के। सो कुछ इस हिसाब से है वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर लेना, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रेन सी यू, बाय गाइज़।